छोटे छोटे मगर कमाल के नुस्खे। नंबर एक, खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने से पेट संबंधी रोग दूर रहते हैं और उम्र भी लंबी होती है। नंबर दो, बार बार उल्टी होने पर बर्फ चूसने से उल्टी आना बंद हो जाती है। नंबर तीन, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उन्हें अलसी का सेवन करना चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है। नंबर चार, अदरक का पानी पीने से खून साफ रहता है जिसका असर त्वचा पर बढ़ती चमक के रूप में दिखाई देता है, साथ ही ये पिंपल और स्किन इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से बचाता है। नंबर पांच, शरीर में कमजोरी है तो मुनक्का का सेवन करने से शरीर में ताकत आती है। नंबर छह, खाना खाते समय खाने को सूंघना नहीं चाहिए, इससे बदहजमी होती है। नंबर सात, ताजी नीम की पत्तियों का रस निकालकर गुलाब जल के साथ मिलाकर चेहरे पर रोजाना रात को सोने से पहले लगाएं। ऐसा करने से चेहरे के दाने, पिंपल और उनके निशान गायब हो जाते हैं। नंबर नौ, गले में ज्यादा खराश हो जाए तो गर्म पानी में नमक डालकर पिए। खाना खाते समय कच्चा प्याज खाने से दिल की धड़कन बेहतर होती है। नंबर 11, अगर आपके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगे तो दूध में एक दो खजूर उबालकर सेवन करना शुरू कर दें। नंबर 12, व्यक्ति किसी बात को ज्यादा सोचते हैं तो इससे उनका दिमाग कमजोर होने लगता है। नंबर 13, जिन औरतों के चेहरे पर झाइयां हैं वे हरी मिर्च की चटनी बनाकर खाया करें, इससे झाइयां दूर हो जाती हैं। नंबर 14, अगर घर में मच्छर मक्खियां ज्यादा आती हैं तो पानी में नमक मिलाकर घर का फर्श धोने से मच्छर मक्खियां नहीं आएंगे। नंबर 15, दूध को धीमी आंच पर पकाने से मलाई ज्यादा निकलती है। नंबर 16, शरीर का डाइजेशन सिस्टम खराब होने पर कब्ज और एसिडिटी की परेशानी होती है, तो ऐसे में गुड़ और चना खाएं। इसमें फाइबर होता है जो कि पाचन शक्ति को ठीक रखता है। नंबर 17, लौकी को काटकर सुखाकर नारियल तेल में पका लें। इस तेल को छानकर एक बोतल में भर लें और इस तेल से सर की मसाज करने से सफेद बाल भी काले होने लगते हैं। नंबर 18, यदि आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो कभी भी खाना बनाते समय उसमें नींबू का रस न डालें। नंबर 19, जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 20, जिन औरतों का पेट ज्यादा बढ़ रहा हो तो लहसुन के रस से पेट पर मसाज करें, इससे बढ़ता हुआ पेट कम होने लगेगा। नंबर 21, अगर कोई इंसान ज्यादा चावल का सेवन करता है तो उसे दमे की बीमारी हो सकती है। नंबर 22, अगर भूख ना लगने की समस्या है तो गर्म पानी में काली मिर्च, नमक और नींबू का रस मिलाकर पी लिया करें, इससे आपको भूख लगने लगेगी। नंबर 23, रोजाना शाम को किशमिश के सेवन से शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 24, दूध में शहद मिलाकर पीने से दिमाग ताकतवर बनता है और इससे नजर भी तेज होती है। नंबर 25, शकरकंदी फेफड़ों को ताकतवर बनाती है। नंबर 26, पुदीने की चटनी बनाकर खाने से शरीर में थकावट नहीं होती और इससे भूख भी बढ़ती है। नंबर 27, कच्चा शलगम खाने से दिमाग और नजर तेज होती है। नंबर 28, अगर पेट में दर्द की समस्या है तो पुदीने के पत्ते जमाएं, इससे पेट दर्द में आराम मिल जाता है। नंबर 29, टॉवल को हल्के गर्म पानी में भिगोकर अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक रखें। ऐसा करने से आपके ब्लैकहेड्स और व्हाइट हेड्स दूर हो जाते हैं। नंबर 30, सुबह खाली पेट नारियल पानी पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। नंबर 31, दूध में जीरा डालकर पीने से पेट बाहर नहीं निकलता है। नंबर 32, यदि आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो सुबह परिंदों को पीने के लिए ताजा पानी रख दिया करें। नंबर 33, यदि सरसों का तेल बालों में लगाते हैं तो ये बालों को जल्दी सफेद होने से रोकता है। नंबर 34,
यदि रात में नींद पूरी नहीं होती तो चेहरे की चमक कम होने लगती है और चेहरा मुरझाया हुआ नजर आने लगता है। साथ ही समय से पहले चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। नंबर 35, जिन लोगों के या छोटे बच्चों के मुंह में छाले हो गए हैं तो बकरी के दूध पिलाने से छाले ठीक हो जाते हैं। नंबर 36, 2 चम्मच सेब का सिरका पानी में मिलाकर पीने से मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाता है। नंबर 37, सौंफ के दूध का सेवन करने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। नंबर 38, कच्चे लहसुन का स्वाद अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसके सेवन से हमारे फेफड़ों में सूजन, संक्रमण और घाव जैसी समस्या नहीं होती है। नंबर 39, गला खराब हो या आवाज न निकल रही हो तो कच्चा अमरूद जलाकर खाएं, इससे गला साफ हो जाएगा। नंबर 40, अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप अखरोट, केला और सेब से बने जूस का सेवन करें। नंबर 41, मेहंदी में नारियल का तेल मिलाकर सर पर लगाने से बाल लंबे और घने होते हैं। नंबर 42, शुगर के मरीज के लिए कच्ची पत्ता गोभी खाना बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 43, हर जेवर और गहने के डिब्बे में 1 चौक का टुकड़ा रख देने से गहने काले नहीं पड़ते। नंबर 44, जो औरतें रात को रोजाना सोते समय दूध और शहद मिलाकर पीती हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी रहती है और चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती, जिससे वे हमेशा जवान नजर आती हैं। नंबर 45, कच्चे आम के छिलकों का काढ़ा बनाकर रोजाना 1 चम्मच पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर 46, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 47, तेज चलने वाले व्यक्ति का शरीर कभी ढीला नहीं पड़ता। नंबर 48, आयुर्वेद के अनुसार शहद और देसी घी को एक साथ लेने से पेट में जहर बन जाता है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, इसलिए कभी शहद के साथ या शहद खाने के बाद ज्यादा देसी घी का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 49, लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करने से बाल कम टूटते हैं और मजबूत रहते हैं। नंबर 50, जो लोग नियमित रूप से दही और कॉफी का पेस्ट बनाकर फेस पर लगाते हैं, उनके चेहरे से दाग धब्बे गायब हो जाते हैं, इसके साथ ही फेस पर निखार आता है और त्वचा खिल उठती है। नंबर 51, अगर आप मच्छरों से परेशान हैं तो कमरे में इलायची के छिलकों को रख दें, मच्छर भाग जाएंगे। आशा करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें।